हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सुचित्रा किड्स एजुकेशन। तो बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है बौने और मोची। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। किसी शहर में एक मोची रहा करता था। उसके घर के पास ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में वह मोची जूते बनाने का काम करता था। तैयार जूतों को बेच कर ही जो भी पैसे मोची के हाथ लगते, उसी से वह अपने परिवार का पेट पालता था। हालांकि मोची अपना काम बड़ी मेहनत और लगन से करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जूते खरीदने वालों की संख्या कम होने लगी। ऐसे में उसे कम दाम पर अपने तैयार जूतों को बेचना पड़ता था। इसका नतीजा यह हुआ कि समय के साथ उसका सारा जमा पैसा भी खत्म हो चला। नौबत यह आ गई कि उसे घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए। इसी कारण मोची बहुत उदास रहने लगा। उसको उदास देख मोची की पत्नी उसे दिलासा देती कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पत्नी की यह बात सुनकर मोची झूठ मूठ का मुस्कुरा देता और मन ही मन अपनी इस दशा को लेकर चिंता में डूब जाता। एक दिन ऐसा आया जब मोची की दुकान पर केवल एक जोड़ी ही जूता बचा। इसके अलावा उसके पास और जूते बनाने का सामान भी मौजूद नहीं रह गया था। वहीं मुश्किल इस बात की थी कि वह उस एक जोड़ी जूते को खरीदने वाला भी कोई नहीं आ रहा था। जब कई दिनों तक उन जूतों को खरीदने कोई नहीं आया, तो मोची उन जूतों को लेकर बाजार की ओर चल दिया। बाजार में मोची के जूते बिक गए। जूते बेचने के बाद जो पैसे मिले, मोची ने उससे घर का जरूरी सामान खरीदा और घर वापस आने लगा। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत बहुत भूखी और बीमार थी, इसलिए मोची ने कुछ पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। अब उसके पास और जूते बनाने के लिए सामान नहीं था। वह दुकान लौटा और वहाँ उसने एक चमड़े का टुकड़ा बचा देखा। उस टुकड़े से केवल एक जोड़ी जूता ही बन सकता था, तो जूते के लिए मोची ने टुकड़ा काट कर तैयार किया और यह सोचकर घर चला गया कि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है, कल रोशनी में वह जूते तैयार करेगा। अगली सुबह जब वह जूते बनाने के लिए दुकान पहुंचा, तो उसे वहां कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह एक तैयार जूते की जोड़ी मिली। वह जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मोची उसे देखकर हैरान था। मोची ने उस जोड़ी को उठाया और फौरन बाजार की ओर रवाना हो गया। वो जूते इतने खूबसूरत थे कि मोची को उसकी अच्छी कीमत हासिल हुई। इस पर मोची बहुत खुश हुआ और हासिल हुए पैसों में से उसने कुछ पैसे ज़रूरतमंद लोगों को दिए। बाकी जो बचे, उससे उसने जूते बनाने का सामान लिया। उस रात उसने दो जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काट कर रखा और घर वापस आ गया। अगली सुबह उसे फिर से वैसे ही खूबसूरत दो जोड़ी जूते तैयार मिले। उसने घर आकर यह पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। मोची की पत्नी बोली, देखा, मैं कहती थी ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। उसका ही किया है कि कोई नेक दिल हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। अब जो रोज़ जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ने और अगले दिन बने बनाए सुंदर जूते पाने का सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। धीरे धीरे मोची की स्थिति सुधर गई और उसने अच्छा पैसा भी जमा कर लिया। तभी मोची की पत्नी एक दिन बोली, हमें एक दिन रात को रुककर पता लगाना चाहिए कि हमारे लिए इस तरह से जूते कौन बना रहा है। यह सोचकर मोची और उसकी पत्नी रात को चमड़े का टुकड़ा छोड़कर दुकान में रुक गए। तभी उन्होंने देखा दो बौने खिड़की से दुकान में घुसे और खुशी खुशी जूते बनाने लगे। पूरी रात खूबसूरत जूते बनाने के बाद वह दोनों बौने खिड़की के रास्ते ही वापस चले गए। यह सब देखने के बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगे कि इन दोनों बौनों ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें कुछ उपहार देना चाहिए। इस पर मोची ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ आखिर इन्हें ऐसा क्या दिया जाए जिससे इन्हें खुशी मिले। इस पर पत्नी कहती है, तुमने ध्यान दिया,
इनके कपड़े और जूते काफ़ी पुराने हो गए हैं। मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ, तुम उनके लिए जूते बना देना। फिर क्या था, मोची ने दोनों बहनों के लिए जूते बनाए और उसकी पत्नी ने दोनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार किए। बाद में उन्हें ले जाकर दुकान में रख दिया और उस रात उन्होंने उन बहनों के लिए चमड़े का टुकड़ा नहीं छोड़ा। जब रात में दोनों बहनें दुकान में घुसे तो उन्होंने अपने नाप के जूते और कपड़े पाकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कपड़े और जूते पहने और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से कुछ दिन तक मोची ने गौर किया, उसके द्वारा काटे गए चमड़े के टुकड़े वैसे ही पड़े मिलते हैं। मोची समझ गया कि अब बहनें उनकी मदद के लिए वहाँ नहीं आएंगी। उसकी स्थिति सुधर चुकी है और उसे अपना काम खुद करना होगा। इतने दिनों में मोची को लोगों की पसंद का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उसने पूरी मेहनत के साथ बहनों जैसे जूते बनाए और उन्हें बाजार में बेचा। मोची द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आए और उसका काम अब अच्छा चलने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों द्वारा की गई मदद का आभार मानना चाहिए और उनसे सीख लेना चाहिए, ना कि दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए। थैंक यू।